hard and little, yeah. Fantastic festival. I'm the Danish ambassador. I'm so full of joy and happiness, and may the light break the darkness. It's just fantastic to see all these people doing the United Way. So it's a great festival, and I wish all Indians across the world a happy Navratri. यार भारत आए अंग्रेज ने जब भारतीयों को नवरात्रि सेलिब्रेट करते देखा तो भाई सनातन धर्म की तरफ अट्रैक्ट हुआ अंग्रेज. अच्छा अंग्रेज. Look at that. They're trying to get me on the stage. मुझे पता नहीं क्यों बहुत दिल करता है गरबा करने का. मतलब दिल में एक उमंग है, एक ख्वाहिश है बहुत पहले से ही कि मैं गरबा करूं. लेकिन मुझे याद ऐसी खुशियां ऐसी इंडिया में मिलती हैं भैया. यकीन मानो उधर भाई सब क्या अंग्रेजों के देश में क्रिसमस ही होता है और क्या होता है. उसमें भी इस तरह की खुशियां डांसिंग वहां से तो कुछ होता नहीं है भाई. इंडिया में एक से बढ़ के एक फेस्टिवल. इधर हम पाकिस्तानी तरह जिस तरह से इन्होंने कपड़े पहने हुए थे, जिस तरीके से कलरफुल थे, मैं क्या बोलूं इनको. ऐसी चीजें होनी चाहिए ना, लोग खुशियों में शरीक हों. पर देखो वो अंग्रेज भी भाई सब क्या हाल है मजा. मतलब कि वो भी थोड़ी बहुत गुजराती हिंदी सीखने की कोशिश वहां पर कर रहा है. यार भारती कैसे लेजेंड है यार, तुम लोगों ने उसको 5 मिनट में डांस सिखा दिया. जहीन दोस्तों, तो दोस्तों विदेशी और देसी नागरिक देश विदेश से नवरात्रि और गरबा का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं, और उनका यहाँ आना ये दर्शाता है कि ये देश दुनिया में प्रसिद्ध है और वे यहाँ आकर काफी ज्यादा उत्साह भी है. लोगों ने तो भाई साहब मिनटों में उसको गरबा सिखा दिया. वो यार गरबा सही भी कर रहा ये था. बोलता होगा मैं किधर आ गया हूँ यार. ये बजा ऐसी खुशियां ऐसी इंडिया में मिलती हैं भैया. यकीन मानो उधर भाई सब क्या अंग्रेजों के देश में क्रिसमस ही होता है और क्या होता है. उसमें भी इस तरह की खुशियां डांसिंग वहां से तो कुछ होता नहीं है भाई. इंडिया में एक से बढ़ के एक फेस्टिवल. इधर हम पाकिस्तानी तरह से रहेंगे. हम कब इंडिया है तो हमें यार ऐसी खुशी हमें भी मिलनी चाहिए. हम उधर होते यार इनके जाते भाई ना. किस तरह हम नारे मार रहा था जय माता दी जय माता दी. वो एकदम मजे का वो प्यार से बोल रहे थे जय माता दी. और जब वो एक्साइटेड हो रहा था जब वो भाई नवरात्रि को लोगों को सेलिब्रेट करते हुए देख रहा था, तो फिर वो सही ऊंचा जय माता दी इतना ऊंचा ऊंचा बोला है ना भाई. सिक्योरिटी ने उसको चेक के अंदर आने से रोका क्योंकि भाई उसने पैंट शर्ट पहनी थी, वो कुर्ता पजामा नहीं था क्योंकि कुर्ता पजामा में अलाउ होगा ना फेस्टिवल को सेलिब्रेट. फिर भी उसको इजाजत दे दी भाई. लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता तो कहते तू बाहरी रहे, बाहरी रहे, कहते तू टोपी पहन और आ अंदर. वजह ऐसा होता. और वहां पर देखो क्या बना है यार, कितनी खुशी कितना भारतीय प्यार कितना दे रहे हैं. हजारों की तादाद में लोग वहां पर गरबा एक अलग ही माहौल बना हुआ. जो वो जगह बनी हुई थी वो कितनी खूबसूरत इन्होंने बनाई. वो लाइटिंग, वो कपड़ा इतना खूबसूरत होता सजाया हुआ था. इतनी बड़ी बड़ी एलईडियां लगी हुई थी, गाने चल रहे थे, म्यूजिक चल रहा था. क्या एक अलग ही माहौल है यार. इधर हमारे पास ये चीजें नहीं है. ये इधर मैं क्या बोलूं इनको. ऐसी चीजें होनी चाहिए ना, लोग खुशियों में शरीक हों. पर देखो वो अंग्रेज भी भाई सब क्या हाल है मजा. मतलब कि वो भी थोड़ी बहुत गुजराती हिंदी सीखने की कोशिश वहां पर कर रहा है. यार भारती कैसे लेजेंड है यार, तुम लोगों ने उसको 5 मिनट में डांस सिखा दिया. यार कैसे कर लेते हो यार ये चीजें. तो प्यार कितना उसे दिया भाई ना, प्यार कितना उसको दिया और डांस 5 मिनटों में सिखा के सही किया. वो भाई साहब गरबा करने लग गया भाई साहब. वाह यार छा गए यार, इंडियंस लेजेंड है भाई साहब. अच्छे अच्छों को सिखा देते हैं इसमें कोई चाहिए. लेकिन भाई वो आया देखो, इसी तरह तो भाई लोग सनातन धर्म में आते, इसी तरह लोग हिंदू धर्म को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई साहब देखोगे ऐसे हिंदू धर्म है क्या. दरअसल दोस्तों कुछ दिनों से गरबा और नवरात्रि की जो वीडियो और फोटो है वो काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें देश के हर कोना के जो लोग है वो गरबा का नृत्य और नवरात्रि का त्योहार मनाते दिख रहे हैं. और ये केवल भारत से ही नहीं बल्कि अमेरिका, जर्मनी, यूके, फ्रांस, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि कंट्री के जो नागरिक हैं वो भारत आकर गरबा में हिस्सा ले रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं. उसी में वे कह रहे हैं कि भारत आकर अलग अलग जगह जाना, वहाँ गरबा नृत्य करना आनंदित कर रहा है.
साथ ही उन्होंने बताया कि वे लोग अलग अलग कंट्री से नवरात्रि को देखने और नवरात्रि का आनंद लेने के लिए भारत आए हुए। विदेशी लोगों को भारतीय संस्कृति काफी ज्यादा पसंद आया। साथ ही वे भारत की तारीफ करते हुए कहते हैं कि भारत का जो कल्चर है सबसे बेस्ट कल्चरों में से एक है। साथ ही वे जो यहाँ के लोगों को भी तारीफ करते हुए कहते हैं यहाँ के लोग काफी सपोर्टिव है और काफी प्यारे होते हैं। उनको जो यहाँ के सभी त्योहार जो पसंद आने लगे, वो चाहे बात किया जाए गणेश चतुर्थी की, बात किया जाए नवरात्रि की, कृष्ण जन्माष्टमी की बात किया जाए या फिर रामनवमी की, सभी पर्व ही उनको अच्छा लगने लगा है। साथ ही वे कहते हैं कि अगर उनका बस चले तो वो जो है यही रहकर इन सारे त्योहारों का आनंद ले और जिस तरह से मनाते हैं उस तरह से वे भी मनाए। वहीं पे भारतीय संस्कृति में उनको एक अलग ही फील आ रही थी क्योंकि यहाँ हर प्रकार के लोग रहते हैं। वो आपको बात किया जाए धर्म से रिलेटेड या फिर आप बात किया जाए लोगों के रिलेटेड, हर तरह के लोग आपको देखने को मिलेगी। हर जगह में अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिलेगा। फिर भी इतना डाइवर्सिटी होने के बाद भी लोग जो है काफ़ी धूमधाम से त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार जताते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। और ये चीज़ जो है उन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, जिस वजह से वे जो है यहाँ पे रहना भी चाहते हैं। और ये सारा चीज़ देखने के बाद जो पाकिस्तान के लोग जो अपना राय रखते हैं, डाउट आपको देखने का बहुत मज़ा आता है। लाइक वाकई में आपको एक ना एक अलग एनर्जी फील होती है। और पता है सुबह ही मतलब मैं और कहा बात कर रहे हैं, मैंने कहा को ये बोला मैम क्योंकि कहा को भी गरबा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो क्योंकि वो डांस नहीं करती, उसको आता नहीं है इतना, मतलब थोड़ी शाय फील करती है, तो मैंने उसे बोला मैंने कहा तुम कैसे गरबा करोगी, तुम और शाय, ओह माय गॉड, मतलब मैं नहीं, ये सब लंगड़ी डांस कर लो। हाँ, लंगड़ी डांस मैं कर सकता हूँ, वो फिर सारे मुझे देखेंगे लेकिन ये कौन सी डांस फॉर्म है, नहीं आई है, वो कहेंगे ये कौन है हमारे बीच में, अजूबा सा आ गया। लेकिन खैर मैं बात ये कर रही थी कि मैंने उसको बोला मैंने कहा तुम्हें तो आता नहीं कैसे करोगी, कहती फिर सीखना पड़ेगा ना फिर करोगी, मैंने कहा तुम अच्छा तुम ऐसे ऐसे बाजुओं को कर लो, ये मतलब मुझे ना बड़ा मजा आता है। करी ना ले वो, लेकिन नहीं कर लेगी वो जब सीखने पर आए। हाँ बस शायद ज्यादा है, बट मुझे लगता है कि जो मतलब एक स्टाइल होता है ना, देखो हम भी देखते हैं, मुझे भी ये चीज़ समझ नहीं आती, मे बी जब प्रैक्टिस बंदा करता है तो आपको पता चलता है कि इसके बाद ये वाला डांस मूव आता है, फिर ये आता ही आता है, क्योंकि फिर ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हुए फिर वो एक मतलब घूमते हैं, करते करते मेरे मुंह ना आ जाना। नहीं मुझे पता है, मैं थोड़ा डिस्टेंस ही मेंटेन करके रखी हुई। ओके यार इसके अंदर शक्ति कपूर की बात। एनीवे गाइस बात करेंगे हम लोग आज के प्रोग्राम की, बहुत ही कमाल का, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही अच्छा, साथ में खाना पीना भी था। मुझे तो वो जगह बहुत अच्छी लगती है जहाँ पर ना आप इंजॉय भी करते हो और साथ साथ में खाने पीने के स्टॉल्स भी आपको देखने को मिलते। अच्छा वैसे जो खाने पीने के स्टॉल्स होंगे वो पास में इंक्लूड होंगे क्या? अब आई डोंट नो कि वो पास जो है वो कितने रुपए में मिला। मुझे पता नहीं क्यों बहुत दिल करता है गरबा करने का, मतलब दिल में एक उमंग है, एक ख्वाहिश है बहुत पहले से ही कि मैं गरबा करूँ, लेकिन मुझे क्योंकि यहाँ पे हमारा इतना कल्चर ऐसा है नहीं और यहाँ पे कोई करते हुए दिखाई नहीं देता। अच्छा मैं बचपन में बहुत सोचा करती थी कि गरबा उन लोगों से सीख लिया करूँगी, क्योंकि हम अक्सर सोचते सुनते हैं और देखते हैं अपने इर्द गिर्द कि यार वहाँ से लोग आए, तो मैं सोचती थी कि मैं उनसे सीख लिया करूँगी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो लोग मैंने देखा है इन चीज़ों को कभी सेलिब्रेट करते हुए नहीं देखा मैंने, मतलब गरबा वगैरह करते हैं लेकिन लिमिटेड उसमें होता है, शादी ब्याहों में हो गया, बहुत बवेला हो जाता है, बहुत पता चलता है, ऐसा ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं होता, घर घर में करते होंगे तो करते होंगे, ऐसा ही है, तो कभी सीखने को का मौका ही नहीं मिला। अच्छा बच्चे भी मर्द भी औरतें भी लड़कियाँ भी सबके सब, और जिस तरह से इन्होंने कपड़े पहने हुए थे, जिस तरीके से कलरफुल थे, ये त्यौहार क्या है, ये त्यौहार क्यों है, ये त्यौहार की वजह क्या है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन आप विजुअलाइज देखें, आप इसकी वीडियो देखें, आप इसकी प्रैक्टिस देखें कि किस तरीके से ये होता है, तो पता नहीं क्यों आपको खुशी होती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से गरबा और नवरात्रि का जो त्यौहार है उसको देश की ही नहीं बल्कि देश विदेश से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको एंजॉय कर रहे हैं, और ये सारा चीज़ जो है भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है। और ये सारा चीज़ देख कर पाकिस्तान के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा वे जो है मिस करते, वे चाहते हैं कि यहाँ पर आए गरबा का डांस करें, ऐसा उनको फील होता है। लेकिन उनको जो है यहाँ का जो कल्चर है वो काफ़ी पसंद आता है और उनको यहाँ आने का मौका नहीं मिलता। अगर उनको आने का मौका मिलता तो वो भी यहाँ पे आकर जो है इन सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरह से जो विदेशी कंट्री का जो लोग है वो सेलिब्रेट कर, वैसे ही वो भी करते हैं। और उन्हें कई सारे वीडियो में ऐसा बातें करते हुए नज़र आए,
तो आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या पाकिस्तानियों को वीजा दे देना चाहिए सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल के सीजन में, या फिर उनको नहीं देना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल में मिलने वाली, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले।